हाय, मेरा नाम मीनू है और मैं ज़्यादातर किचन में रहती हूँ। आज हम लोगों का दिल कर रहा था आलू वाले चावल बनाने को। मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद है और मेरे भी फेवरेट है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले काट लेने हैं प्याज। मैंने प्याज को छीला और इनको काटना शुरू कर दिया है, कचप 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 कचप। तकरीबन सारी प्याज काट ली हैं और यहाँ पर प्याज काटते हुए आँखों में आ गए थे आंसू। फिर भी प्याज तो काटने आना। यहाँ पर पतीली रख ली थी चूल्हे के ऊपर और डाल दिया सरसों का ढेर सारा तेल। मैं खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ, सेहत के लिए अच्छा होता है। फिर इसमें डाल दिए हैं सारे प्याज। अब प्याज़ों को तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से लाइट सी ब्राउन ना हो जाए। जब तक प्याज ब्राउन होते हैं तब तक लहसुन और अदरक को अच्छे से कूट लेते हैं। प्याज के अंदर ही डाल देने हैं ये चॉप किए हुए लहसुन और अदरक, और साथ ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 लाल लाल प्यारे प्यारे टमाटर, और इसको भी इसके साथ भून लेना है। अब इसको तब तक मैंने भूनना है जब तक मसाले की अच्छी से खुशबू ना आ जाए। मैं हरी मिर्च डालती हूँ, मैंने इसके अंदर चॉप की हुई हरी मिर्च भी डाली बहुत सारी, क्योंकि लाल मिर्च होती है इतनी अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। ये साथ ही साथ इसमें डाला 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही इसमें डाला 1/2 चम्मच जीरा। जीरे की खुशबू बहुत अच्छी आती है चावलों के अंदर, मुझे बहुत पसंद आता है। बस 1 से 2 मिनट इसको थापड़ 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 करके इसको चला लेना है। टमाटरों को पीस लेना है, चम्मच से ही पीसना है, मिक्सी में डाल के नहीं पीसना। यहाँ पर मसाले से तेल अलग हो गया है, इसीलिए इसके अंदर मैंने टुकड़े 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 किए हुए आलू डाल दिए। इन आलुओं को मैंने बहुत सारे टुकड़ों में डाल दिया था। अब ये टुकड़े टुकड़े आलू इसके अंदर डाल दिए। अब इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए खूब खचप 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 करके पकाना है, चलाना है कि सारा जो मसाला है वो आलूओं को लग जाए। यहाँ पर आलू गलाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है 1 गिलास पानी, और इसको मैं कर दूँगी कवर कोई 10 से 15 मिनट के लिए ताकि आलू अच्छे से टेंडर हो जाए। 10 मिनट बाद ही मैंने खोल लिया था। 10 मिनट बाद खोलने पर पता लगा आलू तो कहते हैं हम गल गए हैं, चाहे हमें खा लो। तो मैंने एतबार नहीं किया और छुरी से एकदम काट के देखा, पटाख, ये तो गल गए वाकई। अब इसमें चावल पकाने के लिए मैं डाल रही हूँ पानी। पानी हमेशा चावलों में डबल डलता है, 1 किलो चावल है तो 2 किलो पानी डलेगा। मेरा क्या है, मैं एक बर्तन से चावल नापती हूँ, उसी से फिर पानी नाप के डबल डाल देती हूँ। चावल डाल दिए थे, थोड़े से बचे हैं, इसको भी छन्नी में निकाल के डाल देंगे। अब चावलों को भी ऐसे ऐसे तड़पाना है इसके अंदर, कचप 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 कचप, और चावल डाल के फिर से इसको कवर कर देना है 10 से 15 मिनट के लिए। 12 मिनट बाद ही चावलों की पोजीशन ऐसी थी, पानी खुश्क हो गया था। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी जो जो मैंने डालना है। मैंने डाला धनिया काफ़ी सारा और चावलों को लगा दिया दम पे। 10 मिनट के दम के बाद चावल हो गए ऐसे, और अब इसको खाओ मर्जी हो जैसे। थोड़ा सा मिक्स करना है ऊपर नीचे करके, फिर इसको अपनी पसंदीदा प्लेट में निकाल लो। 1 चम्मच हरी मिर्च साथ में आई, फिर 1 और चम्मच, और यहाँ पर ये मैंने बना रखी थी चटनी, धनिया पुदीना टमाटर लहसुन, और साथ में मैंने इसके अंदर डाला ज़ीरा। ये बड़ी मज़ेदार चटनी होती है, थोड़ी स्पाइसी होती है लेकिन बहुत मज़ेदार होती है। हाँ, हरी मिर्च भी डाली थी चटनी में। अब इसको खाना है।